हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आप लोगों को AVS वीडियो एडिटर के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम अपने वीडियो को एडिट करते हैं, यानी कि कैसे ट्रिम करेंगे, कैसे काटेंगे, कैसे अनवांटेड वीडियो फुटेज को हम कैसे छोटा कर सकते हैं। ये मैं आपको AVS वीडियो एडिटर के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं AVS वीडियो एडिटर। पहले ये जान लें AVS वीडियो एडिटर एक वीडियो एडिटिंग का प्रोग्राम है, बहुत ही आसान है इस पर काम करना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि ये टाइटल बार है, उसके ठीक नीचे मेनू बार है, सबसे पहले फाइल में क्लिक करें, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए शुरुआत कैसे करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। करने के बाद जिस वीडियो फुटेज को आपको एडिट करना है, काटना है, या जिस ऑडियो फुटेज को आपको ट्रिम करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें वीडियो फुटेज लेकर आना होगा। तो सबसे पहले आप जब जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ देख सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी का एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन है, जिसके माध्यम से हम वीडियो फुटेज को लेकर आएंगे। तो इंपोर्ट बटन पे क्लिक करें। करने के बाद इंपोर्ट मीडिया फाइल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। अब जिस ड्राइव में भी आपने अपना वीडियो फुटेज रखा है, यहाँ से वो ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली मेरा डेस्कटॉप पे मेरा वीडियो फुटेज रखा हुआ है, तो मैं एक वीडियो फुटेज चूज़ करता हूँ। ये एक फैमिली नाम से वीडियो फुटेज है, उस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद ओपन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी विंडो के अंदर ये फैमिली फुटेज, यहाँ वीडियो फुटेज आ गया। इसे मैं ज़रा प्ले करके देखता हूँ, स्टॉप कर दिया मैंने। आप व्यूअर विंडो के अंदर वो वीडियो फुटेज प्ले करके देख सकते हैं। अब क्या करना होगा, मीडिया लाइब्रेरी विंडो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं, और ठीक नीचे आपको यहाँ पे टाइमलाइन विंडो है, जिसमें वीडियो ट्रैक्स हैं। उसके बाद उसका यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो इफेक्ट के लिए भी ट्रैक दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो ओवरले का ट्रैक, अलग अलग ट्रैक्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इंपोर्ट करके जब आपने वीडियो फुटेज को लेकर आ गए हैं, तो जिस वीडियो फुटेज को आपको एडिट करना है, उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें और माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए, ड्रैग करते हुए आप टाइमलाइन विंडो पे जो फर्स्ट ट्रैक है उस पे लाके इस तरह रिलीज़ कर दें। आप जब रिलीज़ करेंगे तो आपका ये वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं वीडियो ट्रैक पे, मेन जो पहला जो वीडियो ट्रैक है उस पे आ गया, यहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसे प्ले करूँगा, ये देखिए ये टाइमलाइन स्क्रबर चल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो फुटेज। अब आप चाहें तो ये जो वीडियो टाइमलाइन का ये जो विंडो है, इसका जो ट्रैक है, इसको ज़रा एक्सपैंड कर सकते हैं और ज़रा बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ा करने के लिए राइट हैंड साइड में देखें, यहाँ पे जूम का बटन दिया हुआ, उस यहाँ जो ये जो है हैंडल है, इसे आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये जो आपका वीडियो फुटेज का ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जो ट्रैक पे वीडियो फुटेज है, वो ज़रा इंक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। इस इंक्रीज़ करने से क्या होता है, आप आसानी के साथ वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो अब ये जो हैंडल है, ये अब स्क्रबर जो टाइमलाइन स्क्रबर है, अब जिस पोर्शन को आपको ट्रिम करना है, जो फुटेज आपको नहीं चाहिए, वहाँ पे फर्स्ट कट के लिए आप क्या करेंगे, टाइमलाइन विंडो के ठीक ऊपर यहाँ पे देखिए ये जो बटन है, ये स्प्लिट एट करंट पोजीशन, मतलब जहाँ पे आपका टाइमलाइन का ये स्क्रबर है, ये है स्क्रबर है, वहाँ पे कट आ जाएगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक टाइमलाइन के ठीक ऊपर ये इस बटन पे क्लिक करें, स्प्लिट एट करंट पोजीशन का है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे स्प्लिट हो गया, कट गया यहाँ वीडियो फुटेज। अब सपोज़ यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक वीडियो फुटेज, ये लंबा सा वीडियो फुटेज है, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये फर्स्ट कट मैंने दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा कट के लिए आपको क्या करना है, उस जगह पे टाइमलाइन का ये स्क्रबर को रखना होगा। रखने के बाद अगेन ऊपर आप क्या करें, स्प्लिट एट करंट पोजीशन पे क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ से ये फुटेज यहाँ देख सकते हैं, येलो एक लकीर दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट कट है और ये लास्ट कट है, ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए वीडियो फुटेज से, मुझे ये पोर्शन मैंने कट लगाया यहाँ, फर्स्ट कट और लास्ट कट लगाने के बाद ये पोजीशन, ये वीडियो फुटेज मुझे नहीं चाहिए। या तो आप इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कर सकते हैं, डिलीट की से भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें, हैंड का शेप आएगा और राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डिलीट ऑब्जेक्ट एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन का लिस्ट आएगा, पॉपअप मेनू आएगा, यहाँ पे देखें डिलीट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही डिलीट क्लिक करेंगे, वो वीडियो फुटेज वहाँ से डिलीट हो जाएगा और पीछे का जो पोर्शन था वो आपके इस पहला वाला जो फुटेज था, फुटेज के साथ यहाँ ऐड हो जाएगा। अगेन देखें सिंपल है। अब अगेन आप देखें क्या करना है, जिस जगह आपको जो फुटेज आपको नहीं चाहिए, इस तरह आप टाइमलाइन को प्ले करके देख सकते हैं।
करने के बाद आप वहाँ टाइमलाइन स्क्रबर को रखें। रखने के बाद आप यहाँ पे देखें, उसको ठीक टाइमलाइन विंडो के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं, ये इस बटन से हम लोग वीडियो को काटते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, ये फर्स्ट कट लगा दिया मैंने, और उसके बाद फिर अगेन आप टाइमलाइन स्क्रबर को इस तरह ड्रैग करें। ये फर्स्ट कट यहाँ से यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए वीडियो फुटेज, तो एंड कट लगाना पड़ेगा। तो अगेन आप क्या करें, ये जो स्प्लिट का जो बटन है इस पर क्लिक करें। अब देख सकते हैं ये एंड कट आ गया। अब इस वीडियो फुटेज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखें लंबा सा वीडियो फुटेज है। जिस वीडियो फुटेज को मैं सिलेक्ट करूँगा वो देख सकते हैं येल्लो रंग का आपको दिखाई देगा, येल्लो रंग से ये हाईलाइटेड दिखा रहा। अब इसको अगर नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, अब जैसे इसे मैं डिलीट करूँगा जो पीछे का पोर्शन है ये पहले वाले हिस्से के साथ वीडियो फुटेज के साथ अटैच हो जाएगा। तो ऐसा हटाने का तरीका, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें और माउस का राइट क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिलीट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दें। आप चाहें तो कीबोर्ड पर डिलीट का जो बटन है उससे भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब और मैं आपको दूसरा फुटेज दिखाता हूँ, दूसरा तरीका दिखाता हूँ कि क्या करेंगे। अगर वीडियो फुटेज आपका बहुत लेंदी है, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये वीडियो फुटेज यहाँ से यहाँ तक लंबा है, तो इसको मुझे और ट्रिम करना है, तो और एक तरीका दिखाता हूँ आपको। उसके लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे देखें, ठीक टाइमलाइन के ऊपर विंडो है, यहाँ पे देखें ट्रिम, ये कैंची के साथ आप वीडियो फुटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ट्रिम, इस पर क्लिक करें। जिस पहले वीडियो फुटेज को सिलेक्ट करें, उसके बाद ट्रिम का ये जो ट्रिम सिलेक्टेड सीन जो लिखा हुआ है, जैसे उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे यहाँ लिखा हुआ आएगा ट्रिम सिलेक्टेड सीन, साथ में देखिए कैंची का साइन दिया हुआ, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक अलग सा ट्रिम का विंडो खुल जाएगा, ये देख सकते हैं ट्रिम का विंडो खुल गया। अब आप यहाँ से आप क्या करेंगे, जो वीडियो फुटेज यहाँ पे देखें स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे एंड टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ नीचे में। अब यहाँ पे आप स्टार्ट टाइम भी सेट कर सकते हैं, एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये पहला जिस जगह पे आपका कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट पे है, यहाँ पे उस फुटेज का पिक्चर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी एंड का पिक्चर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वीडियो फुटेज आपको क्या करना है, आपको जिस जगह पे वहाँ पे स्क्रबर रखें, इस तरह मैंने रखा इसको, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट मार्क, ये मार्किंग देने के लिए यहाँ पे फर्स्ट मार्क मैंने दिया, ये देखिए फर्स्ट मार्क आ गया। उसके बाद अगेन इस स्क्रबर को इस तरह ड्रैग कर दें, और यहाँ पे आप इसे प्ले करके भी आप मार्क दे सकते हैं, यह फर्स्ट मार्क, उसके बाद ये एंड मार्क, मार्क आउट दे दिया मैंने। यहाँ पे देखें ये जो पोर्शन आप दिखाई देख सकते हैं, ये ब्लू रंग से हाईलाइटेड दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्क दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे ये वीडियो फुटेज सिर्फ रखना है और बाकी का हिस्सा मुझे नहीं रखना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें, तो पोजीशन देखें वो वीडियो फुटेज ट्रिम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरह भी हम लोग वीडियो फुटेज को ट्रिम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम वीडियो को एडिट करते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।